अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं शॉर्ट्स तो लगा रही थी अपने चैनल पे, लेकिन वीडियो काफ़ी अरसा नहीं थी। तो ये एक हम गए थे जुरासिक वर्ल्ड आइलैंड गोल्फ क्लब, जो कि है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही फन है। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एरिया तो छोटा सा ही था, लेकिन उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बनाया हुआ है। 18 होल्स हैं डिफरेंट, और उसमें जो है वो आपने बॉल डालनी होती है। उन्होंने साथ में कार्ड दिया था और पेंसिल के आप स्कोर लिखते रहें, जिससे और ज़्यादा मज़ा आता है कि आप एक कंपटीशन में आ जाते हैं कौन जो है वो कितने दफ़ा में डालता है होल में। और हर होल में उन्होंने एक एडवेंचर के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी सी हर्डल्स डाली हुई थी। कहीं पे ऊपर जो है वो बॉल ऊपर से होके जाती है, कहीं में किसी चीज़ के अंदर से गुजर के जाती है। तो काफ़ी फन है ये, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि आप सब भी इस जगह को देखें और इन्जॉय करें। और थीम जो है वो जुरैसिक वर्ल्ड यानी कि डायनासोर्स का था, तो बच्चे जो है उससे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो एरिया में इसमें देखिए, एक तरफ पानी गिर रहा था और ग्रीनरी थी और बहुत ही अच्छा व्यू था ये। तो बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए, उन्होंने सारा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा ये फन है। तो ये पहला होल था, उसके बाद ही हम आगे जा रहे हैं दूसरे होल की तरफ। ये देखिए, एक ब्रिज सा बना हुआ है और दोनों तरफ इसके पानी है, तो इसके नेट लगी हुई है। देखने में ऐसे लगता था कि बॉल जो है वो गिर जाएगी, कहीं पानी में ना चली जाए, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि वो उस तरफ को नहीं जा सकती, लेकिन एक थोड़ा सा बंदे को लगता है देख के इधर चली जाएगी, लेकिन जो है वो बना ही इस तरीके से है कि आप उसको ये देखें। एक यहाँ पे हर्डल्स बनी हुई है, तो इसमें आपने बॉल डालनी है, फिर घूम के अगली अगली तरफ जाएगी। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद ये हम नेक्स्ट होल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने सारी थोड़ी थोड़ी, अब सारे की तो नहीं जाहिर बना सकती थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी एरिया की बनाई है कि आप जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह का है और किधर है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे लग रहा है कि बॉल अंदर ही गिर जाएगी पक्का, लेकिन वो साइज ऐसा है कि उसके ऊपर ही रह जाती है अगर इधर से आ भी जाए इधर तो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने का, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।